नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आज हम चर्चा करेंगे साल 2022 में बृहस्पति अस्त के विषय में। 23 फरवरी 2022 को देवगुरु बृहस्पति सूर्य के निकट आने के कारण अस्त स्थितियों में आ जाएंगे। पूरा एक महीना बृहस्पति अस्त रहेंगे 25 मार्च तक। बृहस्पति के अस्त स्थितियों में आ जाने के कारण सभी प्रकार के शुभ कार्य, ग्रह प्रवेश, पूजा पाठ, पितृ कार्य आदि स्वभावतः बंद हो जाएंगे। साथियों, बृहस्पति के अस्त होने का, गुरु अस्त होने का प्रभाव 5 राशियों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 5 राशियाँ ऐसी हैं जिनके चलते चलते काम अचानक से रुक जाएंगे, जिनके अपने लोग उनसे मुंह फेर लेंगे और दुर्घटनाकारक परिस्थितियां बनेगी। इन 5 राशि वाले जातकों को कौन सी पूजा पाठ करनी है और वह राशि कौन कौन सी है जिन पर गुरु के अस्त होने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव मेष राशि वाले जातकों पर पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि से 9 और 12 वे स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं। 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है, तो मेष राशि वाले जातकों, ऐसा हो सकता है कि आपके सारे बनते बनते काम अचानक से बिगड़ने प्रारंभ हो जाएं, टेंशन तनाव की स्थितियां बड़े स्तर पर आपके जीवन में बने। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप आपको करना है। दूसरी राशि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी वह मिथुन राशि। मिथुन से बृहस्पति व्यापार भाव के और कर्म स्थान के स्वामी होते हैं, तो आपके व्यापार में आपको कुछ नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी से मनमुटाव, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं और आपकी, आप जो काम करते हैं ऑफिस में या आपका जो व्यापारिक स्थल है वहाँ पर आपको भी टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के लिए नारायण के मंदिर में जा कर के अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली राशि है साथियों यहाँ पर कर्क। कर्क राशि से भी बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, तो आपके कई बनते बनते काम, भूमि, भवन, वाहन या और कुछ ऐसे कार्य जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, एकदम से उनमें रुकावट जैसी स्थिति बन सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का बड़ा प्रभाव धनु राशि पर पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति और सूर्य के निकट आने से वह अपना तेज, अपना प्रभाव उनका क्षीण हो जाएगा। तो आप लोग भी नारायण के मंदिर में जाकर के श्रमदान करें, यथा योग्य अन्नदान करें और नमो नारायण मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि से भी बृहस्पति प्रथम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में अचानक से बड़े स्तर पर गिरावट का आ जाना, परिवारजनों का व्यवहार बड़े स्तर पर एकदम से बदल जाना, इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति ज्ञान के, सद्गुण के कारक होते हैं, तो जो लोग अध्यापक हैं, जो लोग धार्मिक शिक्षक हैं, ज्ञानम सद्गुण मात मजम च सचिवम, जो मंत्री पद प्राप्त किए हुए लोग हैं, जो लोग ब्याज का काम करते हैं, जो लोग दूर संचार विभाग में कार्यरत हैं, उनके ऊपर भी बृहस्पति के अस्त होने का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सावधानी के लिए बम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा साधना उपासना में लगे रहें और 1 सवा महीना पूरी सावधानी के साथ आपको गुजारना है।
मैं कामना करता हूँ यह जानकारी जो मैंने आपको दी है, इससे आप सावधान होकर के मंत्र जाप आदि उपाय करके सभी प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे। साथियों, इसी प्रकार की गोचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।